नैनीताल से हैं जगत सिंह जी, स्वागत है आपका। मेरी मैम नमस्कार और हकीम साहब को भी नमस्कार। जय हिंद जय हिंद। आप अपनी पूरी मेरा बात सवाल बताइए। है, पांव के तलवे में मेरी बहुत झंझनाहट होती है और लाल लाल खून के जैसे छाले आते हैं। जब मैं हाथ लगाता हूँ छाले हटते हैं फिर आ जाते हैं, और हाथों में भी झंझनाहट पांव में भी झंझनाहट होती है। अच्छा देखिए, वजन तो बिल्कुल ना उठाएं और वेस्टर्न टॉयलेट का यूज़ करें, कुर्सी वाला शौचालय, और गौंद सिया खरीद लें, एक आधा ग्राम सुबह नाश्ते के बाद घी में मिला के, आधा ग्राम घी में या मलाई में मिलाकर आप लिया करें सुबह नाश्ते के बाद, रात को खाने के बाद, और ऐसे बैठें और ये ऐसे एक्सरसाइज करें रोज़ाना 3 मिनट, और ऐसे ये देखिए ये ठोड़ी यहाँ तक आ जाती है, ये भी 3 मिनट, और लहसुन अदरक जीरा खूब कसरत से इस्तेमाल किया करें, आपको फ़ायदा होना मुमकिन है। जी, अमृतसर से हैं हरीश कुमार जी, स्वागत है आपका। नमस्कार जी। नमस्कार सर। सर जी, मैंने पूछना है कि ये जो एप्पल विनेगर होता है इसका क्या फायदा होता है? ठीक है। अच्छा जी देखिए, एप्पल विनेगर भी सिरकों में से एक होता है। अब जैसे सिरके होते ना, वो अंगूर के भी बनते हैं और गन्ने के भी बनते हैं, एप्पल के भी बनते हैं। वो जो एप्पल जो है वो गिर जाता है, टूट जाता है, सड़ने लगता है, उसको एक जगह इकट्ठा करके या उसका जूस निकाल के इकट्ठा कर देते हैं कश्मीर वगैरह में, तो ये एप्पल विनेगर तैयार हो जाता है, एक सड़ा हुआ रूप इसके जूस का। और ये भी वही सब काम करता है जो सिरके में बताता हूँ, चर्बी को भी कम करता है, विटामिन सी भी बेहतरीन है ये। और अब रस, गन्ने का रस का भी सिर का काम करता है, लेकिन जो सबसे बेहतर जो सिरके कहलाते हैं वो जैतून का और कलौंजी का सिरका कहलाता है। फिर उससे लो पावर के ये सिरका, सेब का, फिर गन्ने का, फिर अंगूर का, और बहुत सारे सिरके होते हैं, लेकिन सबसे ऊपर ये होते हैं, काम सब वही करते हैं लेकिन फ़ायदा, और लो पावर के होते हैं। जैसे मूंगफली आप खाएं, मूंगफली थोड़ी सस्ती आती है, तो फिर साइंस वाले कहते हैं कि बादाम और मूंगफली दोनों एक होती हैं, जो फ़ायदे मूंगफली में हैं वही बादाम में हैं, वही अखरोट में हैं, लेकिन आप सोचें कि क्या फ़र्क होता है। मूंगफली 60-70 रुपये किलो आ जाती है, बादाम 700-800 रुपये किलो आते हैं, अखरोट 1500 रुपये किलो आता है, बस यही फ़र्क है। जी हकीम साहब, आप हमेशा गर्म पानी का जिक्र करते हैं, तो क्या होता है कि ठंड में तो गर्म पानी लोगों को बड़ा अच्छा लगता है, स्वादिष्ट ही कह लेते हैं, गर्म पानी पीने से परहेज़ नहीं करते हैं, लेकिन अगर हम 12 महीने, वैसे तो आप बताते हैं कि हमेशा हमें गर्म पानी का इस्तेमाल करना चाहिए, तो 12 महीने भी अगर हम कंटिन्यूसली, चाहे कितनी भी गर्मी क्यों ना हो, अगर गर्म पानी का सेवन करें तो वो भी बहुत ज़्यादा लाभप्रद होगा। गर्म पानी एक ऐसी ऐसी नेमत है कि जब कोई आदमी 1 घंटा पैदल चले तो जितने पसीने आने चाहिए इतने 1 पाव लीटर या आधा लीटर गर्म पानी पीने से हमें आते हैं। जी, तो समझ लीजिए कि इतनी मशक्क़त और इतनी चर्बी भी गलती है, इससे पूरे जिस्म में एक गर्माई पैदा हो जाती है और हम एक्टिव हो जाते हैं। और दूसरे जो फ़ायदे हैं वो ये हैं कि हम कीटाणु से बचते हैं, पेशाब खूब साफ आता है, खुल के लेट्रीन होती है, सिस्टम हमारे पेट का अच्छा होता है, चर्बी हमारी पिघलती है, और
गर्म पानी पीने वाला शख्स को दो तीन चीज़ें और नहीं होती, डायबिटीज़ से भी वो बच सकता है और उसकी उम्र बड़ी लंबी होती है। ये उसका सबूत के तौर पर मैं ये जानता हूँ कि चाइना और जापान में ख़ास तौर पर गर्म पानी पिया जाता है और मुल्कों में भी पिया जाता है, ज़्यादातर देशों में गर्म पानी पीते हैं सिवाय हम या हमारे पड़ोसी मुल्कों के। यहाँ की आदतें अजीब ही हैं, सिर्फ खाने के लिए जीते हैं, ठंडा पानी पीते हैं और कोई उसूल नहीं ज़्यादातर लोगों का, ना सोने का उसूल ना जागने का उसूल। तो मैंने कई बार ये वाकया शेयर किया है कि मेरा एक अजीज़ जापान गया तो यहाँ भारतीय लोग तो ठंडा पानी पीते हैं, वहाँ एक होटल में उसने मांगा कि मुझे ठंडा पानी दो, तो उसको बड़ी हैरत हुई वेटर को कि जब उसने कहा यहाँ तो ठंडा पानी नहीं मिलता, तो उसने कहा नहीं मुझे चाहिए, आप फाइव स्टार होटल है और ठंडा पानी नहीं है। तो फिर उसने क्या किया, ठंडा पानी गर्म पानी में और दो दो पीस बर्फ़ के डाल के दे दिए। लेकिन वहाँ की जो आयु है, उम्र है, वो 95 और 100 साल है एक आदमी की एवरेज उम्र इतनी है और हमारे भारत में 60 या 65 है। तो खाते तो वो क्या है, वो क्या करते हैं, लेकिन किसी की भी अच्छी आदत हमें अपना लेनी चाहिए। आप अगर यकीन करें तो मैंने आज भी गर्म पानी पिया, बड़ा सुकून भी मिलता है, जिस्म के लिए बहुत फ़ायदेमंद है और सांस के रोग, नज़ला, खांसी, बलगम, छींके, इनमें बड़ा फ़ायदा करता है। कभी आप पी के देखें, फ़ायदा उठा कर देखें। कॉलर से बात कर लेते हैं, वाराणसी से हैं मोहम्मद सईद, स्वागत है आपका। सलाम अलैकुम डॉक्टर साहब। वाले सलाम। हमारे दो सवाल हैं, बीपी हाई हो जाए तो क्या खाना चाहिए, बीपी लो हो जाए तो क्या खाना चाहिए, और एक सवाल है जो पोया पुंकी हो जाता है तो वो करीब 1 इंची का है लेकिन वो कड़कपन है, उसमें चलकाल का खून निकल रहा है लेकिन उसका मुंह एकदम कड़क बना हुआ है लेकिन मुंह खुल नहीं रहा है, ठीक, तो उसको क्या करना चाहिए? कोई भी फोड़ा फुंसी अगर लीक हो जाए, यानी उसमें से पस निकलने लगे, खून निकलने लगे, तो बहुत आसानी हो जाती है। तो उसे जितना प्रेस कर सकते हैं उसे प्रेस करके निकालें और पकाना चाहें तो इस पर हल्दी का लेप बना के इसको पैक कर दें और फिर ये पक के इसका मुंह भी बनना मुमकिन है। लेकिन जब तक इसका मुंह नहीं बनता था तो अभी तो समझ लीजिए वो लीक हो गया तो मुंह बन गया, लेकिन ये जो फोड़े फुंसी उल्टे होते हैं ना, जिनका मुंह नीचे की तरफ होता है, वो परेशान करते हैं, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे तो फिर डॉक्टर से इसमें चीरा भी लगवा सकते हैं, बहुत आसान होता है, अक्सर लोग इससे डरते हैं। और ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो तो उम्र देखना चाहिए, क्या उम्र है, अगर ब्लड प्रेशर ज़्यादा है तो एक सिरका ले लें, असली कलौंजी का या जैतून का सिरका असली, और एक एक चुटकी खाने का सोडा उसमें मिलाकर 2 बार दिन में पिया करें, 2 चम्मच सिरका पिए, 2 बार पिए और 1 चुटकी खाने का सोडा मिलाकर पानी मिलाकर पिया करें, ये धीरे धीरे आपका ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। 6-7 महीने लगातार पिए और अगर कम रहता है तो यही सिरका पिए, लेकिन 1 चुटकी जो है कॉफ़ी जो हम पीते हैं, 1 चुटकी कॉफ़ी ऐसी खा लें और फिर ये पिए, तो दोनों में इस तरह फ़ायदा होना मुमकिन है। देहरादून से हैं डॉली जी, स्वागत है आपका। हेलो जी मैम। हाँ मैं डॉली बोल रही हूँ, नमस्कार मैम जी। नमस्कार। हाँ जी, मेरे को ना अपनी मम्मी के लिए पूछना था। पूछिए जी। वो उनको उनको पैरालिसिस है, एक मेरी मम्मी को ना पैरालिसिस है। कब से है?
कब से है और अब क्या हालत है? एक एक साल हो गया उनको ना, एक साल हो गया। अभी क्या हालत है उनके? हाथ पैर थोड़े बहुत चलते हैं? उल्टा हाथ उनका उठता नहीं है, एक साल हो गया है। अच्छा, आयु बताएं उनकी? उनकी है 75। ठीक है। अच्छा देखिए, बहुत मोहब्बत आप मम्मी से करते हैं अपने, डॉक्टरों की दवाएं भी उन्हें छोड़े नहीं, काफ़ी उम्र है, उम्मीद हम कर सकते हैं और 7-8 महीने इलाज अगर कर सकें तो। डॉक्टरों की दवाओं के साथ कलौंजी का सिरका असली लें और 2 चम्मच छोटे चाय के चम्मच 1 गिलास पानी मिला के या उनकी सब्जी सालन में मिला दें, 2 चम्मच कलौंजी का सिरका असली वाला उनकी सब्जी सालन में मिला दें या पानी मिला के ले सकें तो दें। और याद रखें कि जब भी मिलाएं तो 1 चुटकी खाने का सोडा भी मिला दें उसमें और ये पिला दिया करें दिन में 1 बार कम से कम, और ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार अगर दिया करें तो काफ़ी वक्त लगता है, काफ़ी उम्र है, जितना फ़ायदा हो जाए इतना भगवान का शुक्र करें, लंबा इलाज करें तो फ़ायदा मुमकिन है जी। हैदराबाद से है महबूब बी, स्वागत है आपका। स्वागत है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाँ मैडम, सर से बात करना है। जी मैं हाजिर हूँ, बताइए क्या सवाल है। अस्सलाम वालेकुम सलमान सर। वाले सलाम। हाँ सर, मैं काला काला गौन। अस्सलाम वालेकुम जी, आप उस बार बार सलाम, आप काला गौन ले रहे हैं क्या, बताइए। मैं काला गौन आपके पूरे सीरियलों पे देखती हूँ मैं सर, आपको आपको पूरे चैनलों पे देखती हूँ मैं आपको। अच्छा 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 जी, तबीयत। बहुत बहुत सलाम आपको सर, मेरे हाथ में दर्द था बहुत, मैं काला गौन टीवी पे देख के मंगा ली थी मैं, बहुत कम हो गया मेरे को, 50% कम है मेरे को सर। कितने दिन से ले रहे हैं? मैं 2 महीने से ले रही हूँ सर, मैं आपको खाली टीवी पे देख के ही मंगाई मैं आपको। कितनी उम्र है 2 महीने से ले रहे हैं 50%? मेरी उम्र 35 साल है सर। अच्छा। मैं और मेरे बच्चे के लिए भी, और वो मंगाई माजू ने, आर केयर मंगाई सर, फिर मेरी बेटी के लिए भी माजू ने आर केयर मंगाई, फिर मेरे बाल पूरे झड़ रहे सर। ठीक है। मेरे बाल पूरे झड़ रहे हैं, मैं गौन मारिंगा भी मंगाई सर। ठीक है, कुछ शुरू कर दिया, कुछ फायदा हुआ? मैं काला गौन तो 2 महीने से खा रही हूँ, मेरे को 50% कम है सर, मैं आपको बहुत याद करती हूँ सर, दुआ दे रही हूँ आपको मैं। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। ये दूसरे नुस्खे शुरू किया, टाइम दरअसल बहुत कम है। सर मेरे बच्चे को कम नहीं है सर। अच्छा। सर्दी कम नहीं है मेरे बच्चे को, मेरा बच्चा है 20 साल 18 साल में। कब से दे रहे? 1 महीने से दे रही हूँ सर मैं माजू ने आर केयर, और आपका नुस्खा भी बने मैं। वो जो सफिस्तान, उन्नाव, अलसी और पीपले। ठीक है। अच्छा देखिए, ये नुस्खे में आप 5-6 महीने में उम्मीद रखें फ़ायदे की, और उसमें भी शर्त ये है कि बच्चा खट्टी चीज़ें ना खाए, और आपके इलाके में खट्टी चीज़ें बहुत खाई जाती हैं, सालन खट्टे, नींबू, आम का अचार, ये सब बाहर की चीज़ें बंद कर दें। 1 महीने में 10-20% ही फ़ायदा मुमकिन है, किसी को ज़्यादा भी होता है, जितना परहेज़ करेगा बच्चा, लेकिन 5-6 महीने लेकर चले, मुझे उम्मीद है बच्चा भी आपकी तरह फ़ायदा हो जाना चाहिए और हमारे साथ जुड़े रहें। और जितना भी आपको फ़ायदा किसी चीज़ से, मेरे बताए हुए नुस्खे से फ़ायदा हो, आप लोगों तक वो फ़ायदा पहुँचाएँ जी। तो मैम आप हमारे साथ जुड़ी हैं, आपने फीडबैक कॉल के ज़रिए बताया कि आपको और आपके परिवार को कितना ज़्यादा फ़ायदा मिला है उन नुस्खों से जो हकीम साहब ने आपको बताए थे। ऐसे ही दर्शकों, हम चाहते हैं कि जब आप लोगों को फ़ायदा मिलता है तो आप ज़रूर हमारे साथ शेयर कीजिए,
और अगर आपकी कॉल कार्यक्रम में नहीं लग पाती है तो आप फीडबैक कॉल हमारे हेल्पलाइन पे भी बता सकते हैं, जहाँ पे आपकी बात होती है हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर से। और जिन कॉलर्स का कॉल अभी कार्यक्रम में नहीं लग पाया है वो तुरंत हमारे हेल्पलाइन नंबर पे बात कर सकते हैं। हकीम साहब, आज भी आप हमारे स्टूडियो में आए, अपना वक्त इतना कीमती दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत धन्यवाद आपका, आपके चैनल के मालिकों का बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, आज के लिए कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही, और मुझे भी दीजिए इजाजत। नमस्कार।